टैनी को कहीं से लेके आ रही है इंदु माँ और दादी जी? कहाँ से आ रही है टैनी माँ? पुलिस चौकी से मेकअप आर्ट ने अरेस्ट करवा दिया क्योंकि उससे लगता है मैंने उसकी शर्मिली का मर्डर किया है। लेकिन शायद पार्ट को अभी तक यकीन नहीं है इसलिए वो एक हफ्ते का मौका दे रहा है। बिकॉज फैमिली इज टेकिंग माई साइड बिकॉज फैमिली बिलीव दैट टैनी कैन नेवर डू दैट। शायद इमोशनली टैनी को वो वक्त नहीं चाहिए अब एक हफ्ते का। बिकॉज आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हो और वो आपका ट्रस्ट तोड़ता है तो आप बहुत उसकी स्टेजेस होती है। पहले तो आप शॉक होते हो, फिर आपको बहुत गुस्सा आता है और फिर आप थर्ड स्टेज होता है दैट यू गेट सो डीपली हर्ट दैट यू डोंट वॉन्ट टू जस्टिफाई योर सेल्फ। एंड आई थिंक दिस हैपन सबके साथ होता है ऐसा। तो अभी टैनी की उस स्टेज आ गई है जहाँ सब कुछ किया, पहले शॉक हुई फिर गुस्सा आया, अब वो इतनी डीपली हर्ट हो गई कि उसको अपने आपको जस्टिफाई करना ही नहीं है, सफाई देनी ही नहीं है क्योंकि वो विश्वास करेगा ही नहीं। उसने जो मान लिया है उसे जो लग रहा है ठीक है वही उसके लिए ठीक है। बात इतना ज़्यादा यकीन करने लगे उस प्रूफ पे कि वो आप ये बात सोचेंगे कि कातिल का चाहे वो बच्चा खुद का वो जेल में क्यों ना पैदा, तो इस तरीके वो माइंडसेट रखेंगे। हो जाता है ना कि एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपने इतने सारे हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए हो उसकी वजह से सब पे पानी फिर जाता है। ये हम सबके साथ होता है लाइफ में, इट्स अ वेरी रिलेटेबल थिंग। सो वही हुआ है बट फॉर ऑल्सो पार्ट इट्स अ बिग थिंग फॉर हिम। शर्वरी वॉज एवरी थिंग, ही लव शर्वरी मैडली। फॉर हिम इट्स अ बिग लॉस, वो अभी तक उससे बाहर ही नहीं है और तब उसको ऐसा लगना कि मेरी वजह से हुआ है। एंड ऑल्सो ही हैज हिज रीजन्स क्योंकि उसे बिकॉज आई लव्ड पार्ट, तो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा है मैंने किया, विच इज राइट फेयर ऑन हिज पार्ट।